कौन सी देखा ही लाल चले। है? एक तो देखो हमारे बोर्ड के लिए जो है ना इतना ये टफ हमारे आएगा भी नहीं, अगर आएगा भी तो एक रॉड के लिए पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा, हो सकता है डिस्क के लिए पूछा जाए, ठीक है, या एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए पूछा जाए, बाकी स्फीयर स्फीयर का एग्जाम में नहीं आता है। और दूसरी बात कि इसके डेरिवेशन भी जो है ना हमारे एंट्रेंस में भी नहीं आएंगे, बिकॉज एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक है। फिर भी मैं तुमको एंट्रेंस के क्लास में जो है ना थोड़ा टफ वाले समझा दूंगा, अभी हम लोग एक दो करके जो है ना काफी इसको छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार तुमको समझा देता हूँ इसके लिए क्या कहते हैं प्लेट के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट, सबसे पहले तुमको चूज करनी होती है एक्सिस। मैंने बोला था कि हमने एक्सिस यहाँ पे कैसे ले लिया, हमने ले लिया एक्सिस को परपेंडिकुलर, ये क्या कहते हैं, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड पासिंग टू यहाँ से ये लेंथ एल ले लेते हैं इसकी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ हम इसकी भी ले लेते हैं, पासिंग थ्रू ब्रेथ। देखो जब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन से भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फॉर्मूलाज, ठीक है। जब तुम फॉर्मूलाज याद करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तुमको एट द सेम टाइम याद रखना होगा कि जो तुम फॉर्मूला लर्न करो वो कौन सी एक्सिस के अबाउट है। अगर तुमने खाली लर्न कर लिया और एक्सिस में कंफ्यूज कर जाओगे ना तो गलत, वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालते हो आपको मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे ये प्लेट है तो प्लेट के पास एरिया होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मान लेते लेट एरिया डेंसिटी भी, स्टार्टिंग पॉइंट को हाँ ले सकते हैं ना, ठीक है, ये ओरिजिन से पास करवा रहे हम लोग, ठीक है, यहां से भी करवाएंगे ना, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं ये जो पार्ट होगा ना दिस विल लाइन द ओरिजिन ओनली, ठीक है, लेट एरिया डेंसिटी भी सिग्मा, अच्छा उसके बाद ये हमारा यहां पे हमने क्या किया, अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप चूज करते हैं, यहां पर जो स्ट्रिप चूज करेंगे ना हम लोग, ये हम चूज करेंगे क्या कहते हैं रॉड, ठीक है, ये पतली पतली रॉड है। सोचो अगर हमने ये पतली पतली रॉड को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे करके चिपका दिया फेविकोल से, ठीक है, ग्लू कर दिया अगर हमने इसको, तो ये पूरी की पूरी जो रॉड है ना ये क्या मिलकर के क्या बना देगी, हमको रेक्टेंगल बना करके दे देगी। मान लो कि इसकी जो थिकनेस है ना वो कितनी है dx है, ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है यहां से x, ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी ये हमारी एक्सिस है जिससे कि हम डिस्टेंस को नापेंगे। अब यहां से अगर हम इस डिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से कितना ले लिया हमने x ले लिया, रेफरेंस लाइन ये है हमारा, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एक्सिस, ठीक है, रेफरेंस लाइन ये हो गई हमारी z एक्सिस, ठीक है, और ये इसको हम यहाँ पे ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, मास से होती है, तो मास ऑफ एलिमेंट टेकन, यहां पे क्लियर सी बात है, हमको इस प्लेट को रॉड में तोड़ना है, रॉड के निकले हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है, तो यहां पे इंटीग्रेशन यूज होगा, मास ऑफ एलिमेंट टेकन ये कितना हो जाएगा डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू बी डी एम, सिग्मा मतलब मास डेंसिटी इंटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एरिया देखो इसकी ये ब्रेथ बी है तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा बी डी एक्स हो जाएगा ना, बी डी एक्स इसका एरिया होगा स्ट्रिप का, और डेंसिटी कितनी है
डेंसिटी तो सिग्मा इसकी है, मास हो गया। देयरफॉर अब दूसरा स्टेप क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इक्वल टू बी एम एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो देखते परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ना, ठीक है इतना x है ना। देयरफॉर i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dI dm x स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कहां से नापना, जो हमने ये देखा है, ठीक है, एक्सिस वो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, वहां से नापना। तो ये हो जाएगा dm, और ये dm ये सिग्मा बी dx इनटू x स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे, ये तो कर दिया, ठीक है, हमको लिमिट लगाना होगा, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ क्या है, l है, तो यहाँ से माइनस l बाय टू होगा, ठीक है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो यहां से लिमिट लगा माइनस एल बाय टू लेके प्लस एल बाय टू, सिग्मा को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब बाय थ्री बचेगा, ठीक है, माइनस एल बाय टू से लेके प्लस एल बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, डिसिम्प्लाइज दैट सिग्मा भी। अब देखो सिग्मा क्या है, मास एरिया डेंसिटी है, ठीक है। एरिया डेंसिटी को मैं क्या ले सकता हूँ, मास बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। याद रखना ऐसे जब भी सवाल तुमको दिए जाए ना, तो तुम हमेशा प्रेफर करो कि हम जो वेरिएबल स्टार्ट करें ना, वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी स्टार्ट करें, ठीक है। स्फीयर हो तो वॉल्यूम डेंसिटी से स्टार्ट करें, उससे आसान पड़ता है अपने को, ठीक है। बाद में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास वाले फॉर्मेट में, डेंसिटी को, अगर इसका मास मान लो अगर m है, ठीक है, तो मास अगर m है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास बाय एरिया इनटू ये हो जाएगा l क्यूब बाय, ठीक है, 8 इनटू 2 हो जाएगा ना, जैसे पहले किया था हमने, सेम वही चीज है, l क्यूब बाय 8 प्लस l क्यूब बाय 8 टू l क्यूब बाय 8, और इनटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बेस बचा था अभी, हाँ सही है, परफेक्ट, ये बी भी कट जाएगा, ठीक है, सही जा रहा ना, यहाँ पे तो क्यूब एट आएगा, यहाँ पे एक थ्री भी तो आएगा ना, कॉन्स्टेंट जो बाहर निकल रही है थ्री, ठीक है, ये एल क्यूब बाई एट टू, और ये थ्री जो बाहर निकल जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, आई थिंक सबको समझ में आ गया ना, ये थ्री जो है ना वो बाहर आ जाएगा, इसका बचेगा एल क्यूब बाई प्लस एल क्यूब बाई, जैसे हमने रॉड ब्रेक किया था, दिस एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस, ठीक है, जो कि लेंथ को कट कर रही है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, डिस्क्रिप्शन याद रखना है इसमें। तो अगर देखो तुमसे ये चीज जो है ना, ये लास्ट स्टेप नहीं आया, सिंपल है, देखो सिग्मा मतलब क्या हो गया, मास बाय एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इनटू बी, ठीक है, ये थ्री कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, ये एक्स के बदले क्या आएगा, एल क्यूब बाय एट माइनस, फिर ये माइनस आएगा यहां पे एल क्यूब बाय एट, यहां माइनस एक और आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बी भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा यहां पे, और क्या बचेगा यहां पे, यहां बचेगा एम बाय, यहां बचेगा टू एल क्यूब बाय
इंटू थ्री, ठीक है, यहाँ बचेगा एक एल, ये एल का एक कट जाएगा स्क्वायर कट के, क्या बचेगा देख लो आप एक बार, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो तुमको याद क्या रखना है इसमें, अगर हमारा सवाल अगर इस पे क्या क्या हमको मॉडिफिकेशन हो सकते हैं इसको एक बार नोट कर जाओ फटाफट। उसके बाद अगर मान लो ये हमारी प्लेट अगर ऐसी होती, ये ऐसे कट कर, ठीक है, तो ये बी हो जाता, जिसको कट करता है ना, ठीक है, बी से उसको ही चूज करते हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में, जैसे इसमें हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ऐसे अगर है ठीक है तो एम एल स्क्वायर, इसको एल को कट कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और कोई तीसरी अगर एक्सिस है तो फिर जब उसके हम लोग अभी थ्योरम सीखेंगे तो हम लोग वहां पर जाकर के उसको समझ लेंगे। बाकी ना तुम लोग इसमें एक ना मैं लास्ट सिखा देता हूं डिस्क का, ठीक है, डिस्क तक ही काफी है, इसके बियॉन्ड तुम लोग को बहुत ज्यादा इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो टेक्निक आ जाएगा बहुत। ये डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, इसका हमको बोला गया है कि जो डिस्क के पहले ना अगर मैं तुमको समझाऊं रिंग के लिए, ठीक है, पहले इसके रिंग के लिए सीखो, रिंग का आसान भी है, बहुत आसान है रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, रिंग पता है रिंग अंदर से पूरा खोखला होता है, ठीक है, रिंग का हमने यहाँ पे क्या कि छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएम, ठीक है, और इसका डीएम का हमने इस हमने एक्सिस कैसी चूज करनी है, एक्सिस विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है, एक्सिस कैसी यहाँ पे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ठीक है, तो छोटे से मास का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, छोटे से का होगा डी आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर, सबको छोटे 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 सबको ऐड कर दो, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर सबके लिए कॉन्स्टेंट होगा, डी एम का एम हो जाएगा, दिस इज फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, बहुत सिंपल, ठीक है, रिंग का भी आ गया। एंड हाउ इज द एक्सिस पासिंग, याद रखना पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डायमीटर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, बिकॉज जब तुम आगे जाकर के सीखोगे तो वहां पे एक्सिस अलोंग डायमीटर भी हो सकती है, ठीक है, डायमीटर एक्सिस अलग हो गए, जैसे ये ऐसे रिंग है ना, ठीक है, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है सवाल में डायमीटर भी दिया गया हो, ठीक है, डायमीटर मतलब ऐसा हो जाता है डायमीटर ये वाला, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस आर डिफरेंट एक्सिस, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट दिस एक्सिस, इसको भी देखो अच्छे से, उसके बाद हम लोग एक लास्ट सीख लेते हैं डिस्क, मतलब जो हम लोग घर पे प्लेट यूज करते हैं खाने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इसका भी सेम अबाउट नेचुरल एक्सिस, मतलब जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी,
क्योंकि डिस्क है भाई, यहाँ पे इसके पास एरिया होगा, सबको पता है। और हम इसको ऐसा मान सकते हैं, इसका डेंसिटी मान लो सिग्मा है और मास मान लो एम है, तो ऑब्वियस ही बात है सिग्मा इक्वल्स टू एम बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन हम, मैंने बोल के रखा कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सिग्मा से। ठीक है, अब जब डिस्क है तो हमको ये पता है कि हम इस डिस्क को कैसे बना सकते हैं। हमें अगर इस डिस्क को बनाना है तो हम ना छोटे छोटे यहां पे लेंगे रिंग, और इस छोटे छोटे रिंग से क्या बना होगा, बड़ा बड़ा डिस्क बना होगा। सीधी सी बात है, अंबानी के पास कितना ही पैसा हो लेकिन बना तो होगा छोटे छोटे नोट से बना होगा ना। ठीक है, और ये यहां पे मैंने इसका जो रेडियस है ना, ले लिया मैंने स्मॉल आर, छोटे छोटे मैंने क्या किया रिंग को रखा। ठीक है, ऐसे रखते 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 ऐसे एक दो तीन चार पांच छह ऐसे करके मैंने रखता गया। ठीक है, जलेबी जैसे। ठीक है, और ये बड़ा सा डिस्क बनता चला। ठीक है, ऐसे करके। और अगर मैंने क्या किया, रेक्टेंगल में कैसे कर सकते हैं, रेक्टेंगल का सबका साइड अलग अलग आ जाएगा ना। तुम जब तोड़ते हो ना, याद रखना इस चीज को, मैं तुमको बता देता हूं ये बेसिक बात है। जब तुम्हें तोड़ के जोड़ना हो तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं ना, तो हमको वहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेना आना चाहिए। जब हम लोग को इंटीग्रेट करना हो ना, तो हम लोग को डिफरेंशियल एलिमेंट लेना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नहीं 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 वो नहीं हो पाएगा एक्चुअली। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लोगे ना तो रेक्टेंगल की कैसे वो मैच ही नहीं करेगा, वो कर्व पे फिर जाके प्रॉब्लम आएगी। रेक्टेंगल का तो स्ट्रेट होता है ना, यहाँ से कर्व से कैसे लोगे। इसलिए देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हम लोग सॉल्व करते ना इंटीग्रेशन से, तो हमारे लेंथ लेने का तरीका होता है। रॉड जब लेते हैं ना हम लोग, मैं तुमको बता भी देता हूँ, फिर आगे में बहुत ज्यादा तुम्हें काम आएगी। रॉड लेते हैं तो हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल लेते हैं तो हम ऐसी स्ट्रिप लेते थे। अगर हम लोग क्या कहते हैं डिस्क लेते हैं तो हम लोग वहां पे क्या कहते हैं रिंग लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्पीयर लेंगे, ठीक है, तो स्पीयर में हम लोग फिर वहां पे हॉलो स्पीयर लेते हैं। ठीक है, अगर कोन होगा हमारे पास तो हम लोग को वहां पे ऐसे करके डिस्क लेना पड़ेगा, थिक डिस्क। ठीक है, इसलिए जो भी होते हैं ना, हमको उसके अकॉर्डिंग वहां पे लेना पड़ता है। और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बिकॉज तुम्हारे सामने ये जो इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट है वो बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन जो बेसिक तरीका होता है ना डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का, वो सारे के सारे शेप के लिए फिक्स होता है। स्फीयर का अपना फिक्स है, कोन का अपना फिक्स है, सबके लिए अपना अपना फिक्स होता है। ठीक है, मुश्किल से चार या पांच शेप होती है। ठीक है, और तुम मुश्किल उसको याद कर जाओगे, कोन वो सब नहीं पढ़ना इतना। ठीक है, उससे अच्छा जो है ना, कोन सबके पढ़ने से अच्छा है तुम थोड़ी सी एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस कर लो। बोलोगे मैं सब पढ़ा दूंगा एंट्रेंस क्लास में, लेकिन बोर्ड के लिए हम लोग को अभी इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, बोर्ड के लिए आई थिंक मैं तुमको मोर देन इनफ ही बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारे एक बात लिए तुम्हारा समझो, इसके साथ साथ तुम्हारा नीट का भी हो जाएगा और मेंस का भी हो। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड का ही नहीं है, अगर वो कौन सबका देखना है तो थोड़ा एंट्रेंस वो एडवांस सब में आता है। ठीक है, वो हम लोग एडवांस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ
बेसिक तरीका सेम है, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इनटू स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर डीआर। ठीक है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमने स्ट्रिप का एरिया कैसे निकाला, तो सोचो अगर दो तरीके से मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, अगर हम स्ट्रिप की बात करें तो स्ट्रिप का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई आर हो जाएगा, और इसकी थिकनेस हम क्या ले सकते हैं, इसकी थिकनेस हम ले सकते हैं डीआर, आर पे जाके डीआर लिया। ठीक है, कंटिन्यू आर पे जा रहे थे, थोड़ा सा थिकनेस और ले, जरा सा और बढ़ा दिया, डीआर हो गया, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई आर। इसको हमने काट के खींच के लंबा कर दिया, वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, इनटू दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ। ठीक है, टू पाई आर डीआर। अगर तुमको ये इसका क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका एरिया निकालने का क्या हो सकता है, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई। ये आई थिंक ज्यादा बेटर मेथड है, बिकॉज ये ना तुम स्फीयर में और भी जगह पे यूज कर सकते हो, सो दिस इज बेटर। ये भले तुमको आसान लगता हो छोटे में आ गया, बट दिस इज अ बेटर मेथड। एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, पाई, ये यहाँ पूरा का पूरा एरिया होगा, ये पूरा ऐसा, ये आर, ये डी आर, एंड दिस इज द पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, माइनस अंदर का क्या हो जाएगा, अगर मैं अंदर का सब्ट्रैक्ट कर दूं ये वाला, मुझे खाली इतना का मिल जाएगा ना बाहर का, माइनस पाई आर स्क्वायर, डी आर के छोटा सा चेंज इन रेडियस, जो कि इसकी थिकनेस बन जाती है, पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई उसका कैंसिल हो जाएगा, डी आर बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू पाई आर डी आर, यार नहीं है, टू पाई आर डी आर। ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा सुटेबल होता है, बाकी स्पीयर स्पीयर का भी हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, याद रखना तुम लोग को कैलकुलस का बेसिक हमेशा रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर तुमको अपना फिजिक्स अच्छा करना है ना, तो एक बात तो क्लियर है, तुम्हारा मैथ्स का बेसिक पार्ट तुम्हारा अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, जितना मैंने तुम लोग को मैथ्स में पढ़ाया था ना, ठीक है, शुरुआत में कैलकुलस वाला, ठीक है, वो सब तुम लोग का अच्छा होना चाहिए। अगर तुमको कभी भी डाउट हो, देखो मैं तुमको सही बताता हूँ, ये लॉकडाउन में तुम लोग को एक एडवांटेज मिल गया, तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट हो, जो मैंने वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है इंटीग्रेशन की, तुमको लगे कि तुमको कभी कंफ्यूजन होता है, जाकर के उसकी वीडियोस को इंटू 1.5 या इंटू 1.75 की स्पीड से जाकर के देख लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये रिंग है, अभी मैंने जस्ट सिखाया था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर, तो डी एम, व्हाट इज द रेडियस, आर का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, डीएम क्या हमारा, सिग्मा टू पाई आर डीआर इनटू आर का, लिमिट लगाओ, कहां से शुरू, हमारी रिंग कहां से रखना स्टार्ट किए, यहां से छोटे 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 रिंग रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते, और ये यहां तक पहुंच गए, तो हम शुरू कहां से कर रहे हैं, ओरिजिन यहां से कर रहे हैं, और हम ये जीरो से बढ़ते 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 स्मॉल आर को हमने बढ़ाना किया, बढ़ाना स्टार्ट किया जीरो से, बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बढ़ते चले गए कैपिटल आर तक, जीरो से। इसमें सिग्मा को निकाल दो बाहर, टू पाई को निकाल दो बाहर, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, आर क्यूब, सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटू टू पाई इंटू आ, ये लगाया लिमिट, ये हो जाएगा आर रेज टू फोर बाय फोर, फॉर्मूला याद है ना, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है, कैसा हो, ठीक है, मैं इसको इसी यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व, नेक्स्ट पेज पर मुझे लिंक पूछा, ये मेरा पाई पाई कट जाएगा, ठीक है,
यहाँ क्या बचेगा, 2m बाय कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ सही है, वेरी गुड। तो हमें कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4 बाय एम आर स्क्वायर। सही है, वेरी गुड। एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 कट जाएगा सिर्फ वहां पे। अब देखो एक चीज, चलो ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क, ठीक है। बाकी सबके सिंपल सिंपल फॉर्मूला जो तुमको याद कर जाने, ठीक है, फॉर्मूला मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, ओके ओके। अब हम बात करते हैं कि देखो कुछ फील लेने वाली बात कर लो थोड़ा सा, ठीक है। क्या मैंने तुमको सिखाया था, देखे कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर होता है रिंग, अगर आप उसी मास से डिस्क बनाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको देखो जितना मैंने सिखाया ना उतना तुमको डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे एग्जाम में जो है ना, मैंने बोला ना कि हम ऐसे सवाल भी करेंगे जहाँ पे एक्सिस ऐसी हो जाएगी। अब हर एक तुम थोड़ी एंगल के लिए याद करोगे उसको, तो तुमको डेरिवेशन आने चाहिए जितने मैंने सिखाए, और फॉर्मूला से तुमको रटे होने ही चाहिए। फॉर्मूला रटना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लेकिन तुमको डेरिवेशन भी आना उतना ही इक्वली जरूरी है, ठीक है। जितना मैंने सिखाया उतना डेरिवेशन तो तुमको अच्छे से कर जाना। अब देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है, मान लो, ठीक है, चलो ना ये वाला कंसेप्ट मैं तुम लोग को थोड़ा में बता दूंगा, ठीक है। अभी आज जितना मैंने सिखाया ना उतना अच्छे से कर जाना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटीन्यूअस बॉडी, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो तुमको याद कर जाना है, ठीक है, जैसे हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, वो सब मैं तुमको फॉर्मूला दे दूंगा। एक छोटी सी बात अगर एक और यहाँ पे हो सकती है कि मान लो कि यही क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसे दे दिया जाता कि मान लो एक ऐसे करके एक डिस्क है, ठीक है, और अभी मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, रोटेशन चैप्टर एकदम अच्छे से करना, याद रखना, जिस बच्चे का रोटेशनल डायनेमिक्स अच्छा होगा ना उसका मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तुम समझ के चलो तुम्हारे एंट्रेंस में, ठीक है, तुम ये सोच के चलोगे ना, मैं तुमको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरे को सिलेबस को अकॉर्डिंगली पढ़ाना होगा ताकि तुमको सब कुछ समझ में, ठीक है। बट तुम्हारे जो एंट्रेंस जब तुम दोगे ना, तुम ये मत समझना कि सर ने एनएलएम जो है कांस्टेंट इक्वेशन हम लोग को इतना पढ़ाया उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कांस्टेंट इक्वेशन से आज तक की आईआईटी में एक भी सवाल नहीं आया, क्लियर से बता रहा हूँ तुमको, मेडिकल में भी शायद से एक भी सवाल नहीं आया, ठीक है। तुम्हारे फ्रिक्शन से शायद से भी क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, एनएलएम के बंदर वाले क्वेश्चन शायद ही आते होंगे, ठीक है। आता क्या है तुम्हारे में एग्जाम में आता है, वो लोग सीधे पता है, लगभग समझ लो 30 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, ठीक है, एंट्रेंस अगर आईआईटी मेंस में, तो उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे रोटेशन से पूछते हैं। 3 क्वेश्चन छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ भाई, 30 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन खाली रोटेशन से आ रहे हैं, जबकि तुम्हारे समझ के चलो तुम्हारे लगभग क्या कहते हैं एनसीईआरटी की अगर बुक देखी जाए तो 8 × 7 × 2 30 चैप्टर है तुम्हारे 11 12 मिलाकर, उसमें अगर एक चैप्टर से अगर वो 3 सवाल पूछ रहे ना, दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो अब रोटेशन पढ़ने के लिए सिर्फ रोटेशन पे तुमको डिपेंड नहीं करना है, तुमको रोटेशन आने के लिए तुम्हारा पीछे का सारा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा अच्छे से नहीं भी है तो पूछो मेरे से, रिवाइज करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे क्या कहते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा सवाल इस तरह से होगा ना, ऐसा देखो, अगर ऐसे कोई बोल दे एंगुलर डिस्क, ठीक है, मतलब अंदर खाली है R1 इनर रेडियस R2, तो जो हम लिमिट लगाते ना, ठीक है, फिर हमारा जैसे हमने लिमिट 0 से R लगाया था,
यहाँ पे हमारा मास कहाँ से स्टार्ट होता है, आर वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, कहाँ पे खत्म हो जाता है, आर टू से स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसको उस तरह से इंटीग्रेट करके वहां से रिजल्ट को निकाल सकते, ठीक है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन तुमको मैंने बेसिक मेथड अभी सिखाया, ठीक है। तो बस आज के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वो भी मुझे लगता है कि कल की क्लास में शायद से एक डेढ़ एक सवा घंटे में वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे आएंगे, ठीक है। तो इतना तुम लोग अच्छे से घर पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक होगी, टेक्स्ट बुक होगी, उससे इसके थोड़े सम करना चालू कर देना। हालांकि मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं कराया, बट हाँ तुम लोग फिक्शन चैप्टर जो मैंने खत्म करवा दिया, ठीक है, उसका रिविजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो है ना फिक्शन की, ठीक है। ओवरटेस्ट भी रेड इजी पे होगी, ठीक है, और प्रॉपर क्या कहते हैं मेज ऑनिट पैटर्न पे होगी, ठीक है। तो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ, बाय।